गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राज मिश्री आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम बताएंगे कि डीएक्सएन में जो हमारा एक सिस्टम है 7-11-6-3 में 7 काम हम करते हैं जो लगातार हमें करने होते हैं, जो हमें एक ज़बरदस्त डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, एक ज़बरदस्त बिजनेसमैन बनाते हैं, एक ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर बनाते हैं और हम एक प्रोफेशनल लीडर बन के उभरते हैं। 7-11 वो काम है जो हम अपनी टीम से भी करवाते हैं तो हमारा वॉल्यूम जबरदस्त तरीके से निकल के आता है। और 6 वो काम हैं जो हमें नहीं करने होते हैं और 3 वो काम हैं जो वो पावर हैं, वो ताकत हैं जिनको यूज़ करके हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बनके एक विजेता के रूप में उभर कर आते हैं। बहुत सारे टीम का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम और टीम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो यह सबसे पहले हम बात करेंगे 7 के बारे में, जो हमारा बेसिक है, हर आदमी को उसे करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ये 7 स्टेप्स को आप फॉलो नहीं करते हैं या फॉलो करने में आनाकानी करते हैं या आधा अधूरा आप फॉलो करते हैं तो आपका बिजनेस भी उसी तरीके से धीरे धीरे करके कम या ज़्यादा कभी तेज चले लग जाता है, कभी स्लो हो जाता है, कई बार वो स्पीड नहीं पकड़ पाता है। उसकी मुख्य वजह यही है, आपको ध्यान रखना है। ये आप 7-11-6-3 में जो 7 स्टेप हम आपको बता रहे हैं, इसको आप एक अच्छे तरीके से, एज ए प्रोफेशनल तरीके से आप इनको फॉलो करें और आप देखेंगे आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। तो ये सबसे पहले जो काम करना है वो है लिस्ट। नंबर 1 पे आता है लिस्ट। तो लिस्ट में भी आप किसकी लिस्ट बनाएंगे, सबसे पहले आपको बनानी है अपनी इच्छाओं की लिस्ट। मेरी इच्छा क्या है, तो उससे भी पहले आप बनाइए 3 लिस्ट बनाइए। पहली लिस्ट बनाइए मेरी आज की समस्या क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है, उसको लिखिए, 2-3-4 प्रॉब्लम लिखिए। उसके बाद फिर आप बनाइए मेरी इच्छा क्या है, 2-3-4 इच्छाएं लिखिए, गाड़ी की है, मकान की है, विदेश यात्रा की है, बेटी की शादी करनी है, कुछ भी वो 2-4-6 इच्छा लिखिए। नंबर 3 पे आप लिखिए मेरा सपना क्या है। सपना बड़ा होता है, जो आपने आज तक सोचा होगा वो, जब आप बच्चे थे तब जो आपने सोचा वो आपका सपना है, उसको लिखिए मेरा सपना क्या है। और वो सपना लिखने के बाद फिर उसके सपना नंबर 1 लिखिए, मेरा सपना आपने लिखा गाड़ी का, फिर लिखिए 3 कारण वो सपना क्यों चाहिए आपको, क्यों पूरा करना है। 1 कारण लिखिए, 2 कारण लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, बार बार 5 बार पूछिए ये गाड़ी क्यों चाहिए, मकान चाहिए तो क्यों चाहिए, 20,000 महीने में 50,000 चाहिए तो क्यों चाहिए, 1,00,000 महीने में चाहिए तो क्यों चाहिए, 5 बार पूछिए। उसके बाद नीचे लिखिए अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे क्या नुकसान होगा, वो भी लिखिए, गाड़ी नहीं लिया तो क्या नुकसान होगा, 5 लिखिए, और क्या नुकसान होगा, और क्या होगा, और क्या होगा, मकान नहीं बनाया तो क्या नुकसान होगा, लिखिए पहला नुकसान, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे लिखिए आप हर सपने के नीचे। मुझे 5 बार लिखिए ये क्यों मुझे चाहिए, और 5 बार लिखिए ये होने ना होने पर मुझे क्या नुकसान होगा, मुझे ये क्यों करना है, ये लिखिए, लिस्ट बनाइए। वो लिस्ट आप बना के फिर उसको चिपकाइए, वो ड्रीम लिस्ट बनाइए, विजन बोर्ड बना दीजिए, वो कागज़ के पेपर पर लिख सकते हैं आप अगर आपके पास पीला पेपर है पीले पेपर के ऊपर लिख दीजिए, वाइट पेपर है वाइट ऊपर के ऊपर लिख दीजिए, एक गोल निशान बना दीजिए उसके आसपास सुंदर सा, उस पर भगवान के नाम, ओम, जो भी आप पूजा करते हैं वो बना दीजिए, आप उसके आसपास बना दीजिए, उसकी पूजा कर दीजिए सुबह शाम, उसके ऊपर धूप बत्ती लगाइए, अगरबत्ती लगाइए, उसको पढ़िए, सुबह उठते ही पढ़िए, रात को सोने से पहले पढ़िए। जो आपने वो लिखा है उसके कुछ चित्र उसके आसपास चिपकाइए, मकान लिखा है तो अच्छे अच्छे मकानों के चित्र वहाँ पर चिपकाइए, आपने गाड़ी लिखी है गाड़ी के चित्र चिपकाइए, वो लगाइए अपने आसपास वहाँ पे उसके आसपास, क्योंकि दिमाग है हमारा वो चित्रों को भाषा समझता है, जो इमेज देते हैं चित्र देते हैं चलते फिरते चित्र, रंगीन चित्र दिमाग की समझ में आता है, वो आप चिपकाइए लगाइए, वहीं से आपका मॉलिक्यूलर एनर्जी मॉलिक्यूल्स बदलना शुरू होगा, आपका ब्रेन वो चीज़ को समझ पाएगा आप ये क्यों काम कर रहे हैं, क्यों काम करना चाहते हैं, तब आपका काम बढ़ना शुरू होगा और आप काम भी करना शुरू करेंगे, आप रोज़ निकलेंगे, आपको वहाँ से उत्साह आपका बढ़ेगा, वहाँ से आपका काम बढ़ना शुरू होगा। ये आप लगाइए, विजन बोर्ड को तैयार कीजिए, क्यों बनाना है, आप सोचिए उस माँ को जब बच्चे का जन्म होता है तो फोटो लगा कर रखती है, तो उसको बहुत दर्द होता है, परेशानी होती है, लेकिन जब वो चित्र को देख लेती है जो उसका सपना है, वो सारे अपने दर्दों को, परेशानियों को, समस्याओं को भूल जाती है
और सपने की ताकत। कभी आप अगर रात को सपने में आप सोचा होगा, जब आप ऊपर से पहाड़ पे से कभी गिर गए, अचानक से कोई बाघ आ गया, कोई शेर आ गया, उसने आपको खा लिया, तो पसीना पसीना हो जाते हैं आप, परेशान हो जाते हैं, एकदम जग जाते हैं आप, आँख खुल जाती है आपकी, वो सपना है, उसने आपको जगा दिया, आपको आपका सिस्टम बदल दिया, आपकी सांस फूल रही है, आपको पसीना आ रहा है, जबकि वो झूठा सपना है। सोचिए, झूठा सपना अगर आपको इतना एनर्जी, इतना पावर दे सकता है, आपको पसीना आ सकता है, डर आ सकता है, आपका दिल की धड़कन बढ़ा सकता है, तो जो सच्चा सपना आपने लगाया है, ये चुपकाया है, वो कितना एनर्जी आपको दे सकता है। सपने की पावर को आप कम करके मत आंकिए। आप सोचिए, माइंड की जो लैंग्वेज है वो चित्र है। सच्चा हुआ, खुली आंखों से देखा हुआ हर सपना आपका पूरा होगा। पहला लिस्ट बनाना है आपको, अपने सपनों का लिस्ट, अपनी इच्छाओं का लिस्ट। तारीख डाल दीजिए, तारीख नहीं डाल पा रहे कोई बात नहीं, चित्र बनाइए, वो विजन बोर्ड बोलते हैं, वो जहाँ आप सोते हैं वहाँ लगाइए। और ध्यान रखिए, वो आपका जो सपना आपने बनाया है वो किसी को दिखना नहीं चाहिए, किसी से डिस्कस नहीं करना है, वो आपका सपना है। केवल आपके घर के लोग जो सपोर्ट करते हैं वो लोग उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो सपोर्ट नहीं करते, जो हंसी बनाते हैं, मजाक बनाते हैं आपके सपनों को कम करने के लिए, वो कोशिश करते हैं उन लोगों को नहीं दिखाना, ना डिस्कस करना है आपको। ध्यान रखना, पहली लिस्ट है वही आपके सपने की लिस्ट, और दूसरी लिस्ट आपको अब बनानी है। अब आपका जो हमारा आपका जो बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है, तो आपको जो लोग कहाँ से मिलेंगे, जैसे आप शादी की लिस्ट बनाते हैं, वो लिस्ट आपको बनानी है। जब आप शादी ब्याह का कोई प्रोग्राम करते हैं, जन्मदिन का कोई प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं आप, वो लिस्ट आपको बनानी है। मैं जिन्हें जानता हूँ, वो लिस्ट आप बनाइए। वो कैसे बनेगी? फ्रेंड्स, FRIENDS, ऐसे करके। पहली लिस्ट आपने बनाई सपनों की लिस्ट, दूसरी जो लिस्ट आप बनाएंगे वो बनाएंगे लोगों की लिस्ट। लोगों की लिस्ट जैसे आप शादी की लिस्ट बनाते हैं, कोई घर में फंक्शन होता है उसकी लिस्ट बनाते हैं, ऐसे वो लिस्ट आपको बनानी है। बेटी की सोचिए, आज मेरी बेटी की शादी है, लोगों को मुझे बुलाना है और मैं लिस्ट बना रहा हूँ, तो वो लिस्ट आपको बनानी है। FRIENDS, ये बन गया फ्रेंड्स, ऐसे बनानी है। F से होंगे दोस्तों के नाम, F4 फ्रेंड्स, R4 रिलेटिव्स रिश्तेदार, आई मीन्स इंस्टीट्यूट, आपके आसपास जो कंप्यूटर सेंटर है, किसी स्कूल में आप पढ़े, कहीं पे आप गए, कोई आपके आसपास ब्यूटी पार्लर है, तो जो इंस्टीट्यूट से आपके आसपास, उनके टीचर्स के नाम, उनके स्टूडेंट्स के नाम जो आपके साथ पढ़े थे या अभी पढ़ रहे हैं, उनके नाम आएंगे उसमें। ई मीन्स होता है एम्प्लॉयज, प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं आपके, जानने वाले कुछ लोग, उनके नाम आएंगे। 10-15 हज़ार तनख्वाह मिलता है, खर्चे ज़्यादा हैं, उन लोगों के नाम आप उसमें लिखेंगे। गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं, शरीर में स्वास्थ्य नहीं है, पैसा मिल रहा है अच्छा खासा, स्वास्थ्य खराब हो गया घर में, उनको सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद 1-2 लाख रुपए मिलता है, उसके बाद वो खर्चा हो जाता है, तो उनको भी चाहिए एक साइड इनकम का जरिया, तो उनके लिए आपको ये बनाना है। N4 नेबर्स, पड़ोसियों का नाम आएंगे, जो आपके आसपास लोग रहते हैं, कहीं आप पहले कहीं किराए पर रहते हैं तो उनके नाम उसमें आ जाएंगे। N नेबर्स के सबके नाम आएंगे, जो आपके आस पड़ोस में जो भी आपके पड़ोसी रहे हैं। D4 डॉक्टर्स, जो प्राइवेट जॉब, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, चाहे उसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर हुए आपके, एक्यूप्रेशर वाले हुए, एक्यूपंचर वाले हुए, आपका एलोपैथी प्रैक्टिशनर हैं, या आपका फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उन सब के नाम उसमें आएंगे, डॉक्टर्स वाली डाली लिस्ट में। आप लिख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कोई दवाई का डिस्ट्रीब्यूटर है, मेडिकल स्टोर वाले लोग हैं, हमारे मित्र हैं। उसके अलावा जो आपका किसी का चाय का डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई आपका जो किराना वाले हैं, उनके नाम उसमें आएंगे। इस तरह से आप एक लिस्ट बना लीजिए, मैं जिन्हें जानता हूँ, 300-400 लोगों की लिस्ट वो बनाइए, जैसे आप शादी की लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद उसमें 2 नाम रोज़ आपको जोड़ने हैं, नए लोग आपको मिलेंगे, नए लोग आपको मिलते हैं, उनसे आपको बात करना है। हम क्या करते हैं, नए लोग मिलते हैं बात नहीं करते हैं, कहीं ट्रेन में गए, आपके पड़ोस में इधर बैठा है एक व्यक्ति, किधर बैठा है, एक सामने बैठा है, तो आप 3 लोगों से बात कर सकते हैं। तो बात कैसे करना है, पहले थोड़ा सा कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है उसके बारे में थोड़ा सा तारीफ कीजिए, हल्का सा मुस्कुराइए उनकी तरफ, आप पूछते हैं सर आप कहाँ जाएंगे, ऐसे करके आप शुरुआत कर सकते हैं। या कहीं भी आप ATM की लाइन में लगे हैं, आगे पीछे बात कर सकते हैं, कई दुकान पे आप खड़े हैं वहाँ बात कर सकते हैं, कई बार आप किसी को समझा रहे हैं, कोई इधर तो कोई व्यक्ति ध्यान दे रहा है आपकी बात पे, उनसे आप बात शुरू कर सकते हैं। तो आपको सामने वाला, जैसे आपने बात किया तो कई बार वो पूछ सकता है, या जैसे आपको किसी की शर्ट अच्छी लगी, आपको बात शुरू करना है, अच्छा व्यक्ति है, तो सर आपकी शर्ट बड़ी अच्छी है,
आपने बड़े अच्छे कपड़े पहने, आपको ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा है, या आपको बालों का स्टाइल बहुत अच्छा है, आपका चश्मा बहुत अच्छा है, तो आदमी वो आपसे एकदम उससे कनेक्टिविटी आपकी बनेगी। तो फिर वो पूछेंगे आप क्या करते हैं, आपने उनसे पूछना है आप क्या करते हैं सर, तो बताएंगे हम जॉब करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन उसके बाद वो आपसे पूछेंगे आप क्या करते हैं, तो आपको डायरेक्ट नहीं बताना है कि मैं डिक्शन करता हूँ या कोई कंपनी में हूँ, वो सब नहीं बताना। आपको क्या बताना है, आपको बताना है सर हम लोगों का जिंदगी बदलने का काम करते हैं, ऐसे आपको बताना है। तो वो पूछेंगे ये क्या होता है, जिंदगी बदलने का काम क्या होता है, तो उनको बोलिए सर हम अभी यहाँ पे हैं, मिले हैं, अभी ये जगह है, यहाँ पे हम बात नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप नंबर दीजिए उनको और उनका नंबर लीजिए, पहले आपको अपना नंबर देना है, सर ये मेरा नंबर है इसको आप रख लीजिए, एक विजिटिंग कार्ड आप बनवाइए वो आप उनको दीजिए, या कोई भी आपने नंबर दिया अगर कुछ नहीं है तो कोई भी उस पर लिख के आप ये सर मेरा नंबर है। अब वो पूछेंगे, अब तुरंत आपको उनका नंबर लेना है, क्योंकि आपका मकसद अपना नंबर देना नहीं है, उनका आपका मेन मकसद है उनका नंबर लेना। उनका नंबर लेने के लिए आपको तुरंत अपना डायरी निकालना है, छोटा सा डायरी हमेशा अपने पास रखिए, पेन अपने पास रखिए, तुरंत सर आपका नाम जान सकता हूँ, सर आपका शुभ नाम तुरंत लिखना चालू कीजिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, सर क्या आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप चलाते हैं, सर वो व्हाट्सअप नंबर नोट कीजिए। ऐसे करके आपको नंबर लेना और नंबर देना, फिर जब भी समय मिलता है सुबह शाम उनसे बात कीजिए, एक दो दिन के अंदर ही बात कीजिए, नहीं तो वो भूल जाएंगे कहाँ मिले थे कब मिले थे। उनसे बात कीजिए, सर मैं उधर से निकलूँगा अभी तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब वो कहेंगे क्यों मिलना चाहते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ, तो उनको बोलिए सर मुझे आपसे मिलना है, बस आपके साथ एक चाय पीना है, या मैं उधर से होता हूँ निकलूँगा एक एक बैठ के चाय पियेंगे, बस तो बस इतना मिलना है, बस ज़्यादा बात कुछ करना नहीं, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, तो जब आपने सामने मिलेंगे बात करेंगे तो बाकी बातें आपको वहाँ पे करना है। इस तरह से लोगों की आपको लिस्ट बनाना है, और ये लिस्ट रोज़ आपको पढ़नी है, विशेष ध्यान रखिए आप लिस्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट पढ़ना क्यों ज़रूरी है, लिस्ट आप जब रोज़ पढ़ेंगे तो आपको लोगों के नाम ध्यान आएंगे, किससे मिले आप, कब मिले, क्या बात हुआ, वो आपको ध्यान आता रहेगा। तो रोज़ लिस्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो रोज़ आप लिस्ट पढ़ें, लोगों के नाम जोड़ते रहें, और इस तरह से रोज़ उसमें से 4, 5, 7, 10 लोगों से आपको बात करना है, नाम निकालने हैं और लोगों से बात करना है। इस तरह से हमारा पहला हुआ अपने इच्छाओं की लिस्ट, दूसरा हुआ हमारा लोगों की लिस्ट, और तीसरा आता है इसमें जो ये हमने लिस्ट बनाया, पहला हमारा था लिस्ट, लिस्ट भी दो तरह की हमने बनाई, सपनों की और लोगों की। उसके बाद आता है हमारा लिस्ट के बाद आता है हमारा यूज द प्रोडक्ट या रिटेल द प्रोडक्ट। अब हमें नंबर दो पे करना है, प्रोडक्ट को खुद यूज करना है। अगर मैं बात करूँ रिएक्शन कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस है, तो कंज्यूमर किसको बनाना आसान है, सबसे पहले हमें किसको कंज्यूमर बनाना है, दूसरे को कंज्यूमर बनाना आसान है, या अपने आप को अपने घर में खुद को कंज्यूमर बनाना आसान है। तो हमें खुद को कंज्यूमर बनाना सबसे आसान है, क्योंकि अगर हम संतुष्ट हो गए तो हम लाखों लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। तो पहले हमें अपने आप को संतुष्ट करना है, अपने आप को प्रोडक्ट से कनेक्ट करना है, प्रोडक्ट हमें खुद खाना है, पेट भर खाना है, खूब खाना है, चाय पीना है, डिक्शन का चाय पीना है। क्यों, क्योंकि ये हमारा कंपनी है, हम अपने बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, ये बिजनेस हम अपने लिए करते हैं, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं। तो हमें प्रोडक्ट पहले खुद खाना है, चाय पीना है, सुबह उठे हम तो क्या करते हैं, पेस्ट डिक्शन का पेस्ट करना है, नहाने जा रहे हैं तो डिक्शन का गेनोजी सोप से नहाना है, हम बालों में शैम्पू कर रहे हैं तो डिक्शन का गेनोजी शैम्पू से शैम्पू करना है, हम बालों में तेल लगा रहे हैं तो नीली हेयर ऑयल हमें लगाना है, उसके बाद हम कई जोड़ों में कुछ लगा रहे हैं तो जोड़ों में हमें लगाना है, जिससे ऑयल बना रहे हैं हमारा तो हमें लगाना है गेनोजी ऑयल, गेनोजी जो हमारा हेयर जो हमारा ऑयल है मसाज ऑयल वो लगाना है। उसके बाद हम मल्टीविटामिन खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, मल्टीविटामिन खा रहे हैं, तो हमें क्या खाना है, हमें स्पिरुलिना खाना है न्यूट्रिशन के लिए, हमें आरजीजीएल खाना है न्यूट्रिशन के लिए, ताकत के लिए। कॉफ़ी पी रहे हैं तो डिक्शन का 2-in-1 लिंगजी कॉफ़ी पीना है, ब्लैक पी रहे हैं तो, अगर 3-in-1 हमें अगर दूध वाला पी रहे हैं तो 3-in-1 पीना है हमें। उसके बाद हम पूजा करने जा रहे हैं तो डिक्शन का हमें जो डिक्शन का अगरबत्ती है उसको यूज करना है, जिसके अंदर बांस का यूज नहीं किया गया है, बांस की डंडी नहीं है उसके अंदर, घास की डंडी है उसको यूज करना है, जिसके अंदर कपूर आदि बहुत सारी जड़ी बूटियों से मिला के बनाई गई है। इस तरह से हमें अपना दिनचर्या को आगे बढ़ाना है, हमें जो करना है डिक्शन के साथ, हम जूस पी रहे हैं तो डिक्शन का नॉन एजी जूस पियेंगे,
हम अपना डिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करेंगे, सभी प्रोडक्ट हम हाथों पे लगाएंगे, एलोवेरा लगाएंगे तो हम डिएक्शन का एलोवी लगाएंगे, चेहरे को धोएंगे तो फेस वाश चाहिए तो हमें डिएक्शन का एलोवी फेस वाश से हम चेहरा धोएंगे। इस तरह से हम डिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, सुबह से शाम तक जितना भी प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे डिएक्शन का प्रोडक्ट, हम कपड़े धोएंगे डिएक्शन के, हम अपना जो हमारा कपड़ा धोने वाला डिएक्शन का जो हमारा वाश है उससे धोएंगे, बर्तन धोएंगे हम डिएक्शन के वाश से, हम कपड़े धोएंगे हम अपने बर्तन धोएंगे जो हमारा बर्तन धोने वाला वाश है। इस तरह से हम सारे प्रोडक्ट हम डिएक्शन के यूज़ करेंगे, जो डिएक्शन के में नहीं है उन्हें हम बाज़ार से खरीदेंगे, जो डिएक्शन में है डिएक्शन से ही हम यूज करेंगे, क्योंकि हम यूज करेंगे तो हमें पैसा आएगा, हम यूज करेंगे हमें पीवी आएंगे, हम यूज करेंगे हमारा विश्वास बढ़ेगा, हम यूज करेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा। चॉकलेट खाएंगे तो डिएक्शन का कोको जी चॉकलेट खाएंगे, दूध में पियेंगे तो हम वही ड्रिंक पियेंगे, बच्चों को उसी को पिलाएंगे, हम बच्चों को जी मोका पिलाएंगे, हम बच्चों को कोको जी पिलाएंगे, हम खाएंगे तो जी मोका खाएंगे, हम कोको जी खाएंगे। तो जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे डिएक्शन के साथ में यूज करेंगे उससे हमें पैसा आएगा, हमारे और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। और जब भी हम बाहर जाएंगे तो हम काय की बात करेंगे, हम डिएक्शन के प्रोडक्ट के जो फायदे हुए उसकी बात करेंगे, दोस्तों के साथ जब भी दोस्त आएंगे उनके साथ बैठ के पियेंगे डिएक्शन के प्रोडक्ट, डिएक्शन की चाय पियेंगे, डिएक्शन की कॉफ़ी पियेंगे, डिएक्शन का चॉकलेट हम गिफ्ट में देंगे, कहीं जाएंगे गिफ्ट देंगे तो डिएक्शन के प्रोडक्ट को गिफ्ट करेंगे, हम इसके फायदे लोगों से बात करेंगे, डिएक्शन के बिजनेस से क्या फ़ायदे होते हैं वो बात करेंगे, डिएक्शन के प्रोडक्ट से क्या फ़ायदे होते हैं उनके फ़ायदों को शेयर करेंगे, जो हमें मिले हैं जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है वो हम दूसरों को शेयर करेंगे, जहाँ भी जाएंगे हम बातें करेंगे उसी चीज़ की बातें करेंगे, जो चीज़ से हमें फ़ायदा हुआ है उस प्रोडक्ट की ही हम बात करेंगे। और जो भी हम बात करेंगे लोगों को एडवाइस देंगे, आज हमारी आदत क्या है किसी को कुछ कोई हमें मिलता है डॉक्टर साहब सर में दर्द है तो वो डॉक्टर को दिखाइए, स्कूल में एडमिशन कराना है वो स्कूल अच्छा है, आज से हम बात करेंगे, हम शेयर करेंगे बात करेंगे डिएक्शन की ही बात करेंगे, डिएक्शन की ही लोगों को सलाह देंगे एडवाइस देंगे, जिसको पैसा कमाना है डिएक्शन बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा बिजनेस है, डिएक्शन को ही करना, बच्चों को कराना बहुत अच्छा है, इससे अच्छा काम कोई नहीं है, खुद भी भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए आपको यही काम करना चाहिए, ऐसे लोगों से आप बात करेंगे। अपने लिए पार्ट टाइम करिए तो डिएक्शन को कीजिए, आपको कुछ थोड़ा टाइम बचता है डिएक्शन को आप डेवलप कर सकते हैं वो टाइम पे। इस तरह से आपको जब भी बात करना है एडवाइस करना है डिएक्शन को एडवाइस कीजिए, डिएक्शन की बात कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए, बिजनेस के बारे में बात कीजिए, तो जो भी बात करना है डिएक्शन के बारे में, राइट। तो दूसरा था हमारा लिस्ट, पहला दूसरा था हमारा प्रोडक्ट यूज करना है और लोगों को रिटेल करना है, जैसे लोगों से बात करेंगे एडवाइस देंगे लोग कहेंगे कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा, तो आप उनको प्रोडक्ट दिखा सकते हैं उसके बारे में बता सकते हैं, उनको फुल रेट पे आपको देना, आपको डीपी पे मिलेगा, आपको डिस्काउंट रेट पे मिलेगा, आपको फुल रेट पे देना है तो वो बचत आपका हुआ, हर प्रोडक्ट पे आपको 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, वो अलग अलग प्रोडक्ट पे कितना बड़ा प्रोडक्ट है छोटा प्रोडक्ट है उस हिसाब से आपको इनकम आपको रोजाना मिलता है, ये बहुत बड़ा इनकम है। इस इनकम को लेने के लिए मेडिकल स्टोर वाला लाइसेंस लेता है 50,000 का, हर साल में एक बार या 2-3 साल बाद उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है, 10-20 लाख का माल भरता है, कोई भी दुकानदार है वो यही काम रिटेल इनकम लेने के लिए लाखों रुपया इन्वेस्ट करता है। आपको अपने माइंड में ये रखना है हमको भी डिएक्शन में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, आपके पास प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट आप दूसरों को उसके फ़ायदे बताते हैं तो लोग आपसे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये प्रोडक्ट को आपको ज़रूर से यूज करना और दूसरे लोगों को उसके फ़ायदे बता के उनको रिटेल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आता है वो है लोगों से बात करना। अब आपके पास लिस्ट आपने बना लिया है और आपको ये मालूम है कि हम लोगों से अब हमें बात करना, तो जब भी लोगों से बात करेंगे उत्साह के साथ बात करेंगे, और बात जब आप करेंगे तो आप मुस्करा के बात करेंगे, जब भी बात करेंगे हंसते हुए बात करेंगे, गुड मॉर्निंग सर आप अच्छे हैं और पॉजिटिव बात करेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, और जो बात आपको अच्छी लगती है उनको अच्छी लगती है वही बात करेंगे। तो क्या अच्छी लगती है आदमी को, हर आदमी को उनके खुद के बारे में सुनना अच्छा लगता है, तो जब भी आप बात करेंगे अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मैं ये मैं वो मेरे बच्चे नहीं, उनके बारे में, उनके आपके बच्चे, आपका बिजनेस, आपका काम, आपका व्यापार, ऐसे बात करेंगे, आपका स्वास्थ्य,
आप भाभी जी का स्वास्थ्य, आपके परिवार का स्वास्थ्य, जो भी आप बात करेंगे उनके बारे में बात करेंगे, उन्हें अपनी बात के बारे में सुनना, उनके अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है। तो जितना बात करना है आपको उनके बारे में बातें करना है आपको, तो आप उनको वही बातें पसंद आती है, तो आपको मोटिवेशन वाली बात करनी है, उत्साह बढ़ाने वाली बात करनी है, जोश बात करनी है, तो आपको किससे बात करना है, आपको हर एक व्यक्ति से बात करना है, जो लिस्ट में लोग हैं उनसे भी बात करना है, और जो लोग आपको आसपास मिलते हैं उनसे भी आपको बात करना है। तो आपको आपको बात करना है किससे, लोगों से बात करना है, टॉक टू पीपल, लोगों से बात करना है, तो आपका बिजनेस थोड़ा थोड़ा चलने लगेगा। अब आपको और बिजनेस बढ़ाना है तो आपको कुछ और ज़्यादा लोगों से बात करना है, आपका बिजनेस और तेज़ी से चलने लगेगा। अब आप कह रहे हैं कि और तेज़ी से बढ़ाना है तो कुछ और ज़्यादा लोगों से बात करना है, आपको ज़्यादा लोगों से बात करना है। अगर आपको एक जॉइनिंग चाहिए रोज और आप चाहते हैं एक प्रोडक्ट मेरा निकल जाए, तो आपको 10 लोगों से बात करना है, तो आपसे 8 लोग, कई लोग लेंगे, कई लोग नहीं लेंगे, कई लोग हाँ 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 करेंगे, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बोलेगा, उनको छोड़ देना है। तो ट्राई एंड एरर, कोशिश करना है और भूल जाना है, कोशिश करना है और भूल जाना है, जिन्होंने लिया उनको याद करना है, जिन्होंने नहीं लिया उनको भूल जाना है, और नए लोगों के साथ में कोशिश करना है। ये टेक्निक आपको अपनानी है, ट्रायल एंड एरर बोलते हैं, कोशिश करो और भूल जाओ। जैसे एक समुद्री गोताखोर होता है, समुद्र में जाके गोता लगाता है, तो जितने बार सीप मिल जाती है वो सीप को इकट्ठा करता रहता है, तो नहीं मिलती है उसको भूल जाता है, फिर गोता लगाता है, वो टेक्निक आपको अपनानी है। फिर उसमें से चूज करता है किस किस में मोती है, जिस सीप में मोती है उसको वो चुन के अलग रख लेता है, जिसमें नहीं उनको हटा देता है। ऐसे ही लोग आएंगे जिसको काम करना है, जिसके अंदर उत्साह है, जोश है, उनको उनके साथ आपको काम करना है, बाकी को हटा देना है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोलेगा, आपको लोग ऐसे ही हैं, कोई सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई बोलेगा, कोई हंसेगा, कोई मजाक बनाएगा, कोई कुछ बोलेगा, उनको हटा देना है आपको। जो आपके काम के हैं, जिनके अंदर सपना है, इच्छा है, मेहनती है, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखने को तैयार है, मीटिंग में आने को तैयार है, नोट्स बनाने को तैयार है, वो लोगों के साथ आपको आपकी बात मानने को तैयार है, उनके साथ आपको काम करके उनको आगे बढ़ाना है, ये सिस्टम है आपका, राइट। तो औसत का नियम कहता है 10 लोगों से बात करेंगे 1 लोग आपको मिल जाएंगे। तो एक आदमी आपको चाहिए, एक व्यक्ति के साथ आपको काम करना है, तो आपको 10 लोगों से बात करना, सिंपल फार्मूला है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा PhD करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो 9 लोग हैं वो उस एक, जो आपके बचे कितने लोग, एक आया तो कितने लोग बचे हैं 9, 9 लोग जो बचे हैं, ये जो 9 लोग हैं जो बचे हैं, ये इस एक के साथ आएंगे, इसके साथ जुड़ेंगे बाद में, ये सिस्टम है। 10 से आप बात करेंगे, एक आदमी आ गया, वो एक आदमी जो आया इसके साथ आपको काम करना, ये जो 9 लोग बचे हैं ये इस एक के साथ आएंगे, ऐसे ही सिस्टम बढ़ता चला जाएगा। तो ये सिस्टम है आपका। तो उसके बाद चौथा स्टेप आता है हमारा, हमने क्या क्या बात किया, पहला स्टेप लिस्ट, दूसरा स्टेप क्या बताया हमने आपको, लिस्ट के बाद में प्रोडक्ट यूज करना है और रिटेल करना है, और तीसरा हमने बताया लोगों से कैसे बात करना है, आपको लोगों से बात करना है, राइट। और तीसरा स्टेप है आपका, वो है आपको शो द प्लान, प्लान दिखाना है लोगों को। तो प्लान जो है हमारा वो क्या है, लोगों की जो समस्याएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, उसको दूर करने का रास्ता है, दूर करने का तरीका है, वो हमारा प्लान है, इनकम प्लान। लोगों के पास समस्याएं हैं क्या, भाई मेरे को 15,000 का तनख्वाह मिलता है, मेरी समस्या है, कम तनख्वाह है मेरी, कम इनकम है, तो उनकी समस्या है। हमारे पास क्या है, हम उसको उनको बिजनेस प्लान दिखाएंगे, इसके इस प्लान में आपको 20,000-50,000 कैसे आ सकता है, वो हम आपसे बात करेंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन है प्लान के द्वारा, राइट। किसी ने कहा मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम है, तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है, इनकम प्लान के द्वारा हम बताएंगे प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं, सस्ता करके यूज़ कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा के इसको जिंदगी भर फ्री खा सकते हैं, लोगों को इस सिस्टम को फॉलो करके दूसरे लोगों को एडवाइस देके इस प्रोडक्ट को यूज़ करने की और इस बिज़नेस के साथ आके काम करने की, वो एडवाइस आप दे सकते हैं इस तरह से। अब क्या करना आपको, अब आपको कहीं भी जा रहे हैं बात कर रहे हैं तो उससे आपकी उसकी समस्याओं के बारे में आपको सुनना है, समझना है। जो प्लान दिखाने से पहले आपको वो अपनी समस्याएं आपको बताएंगे, जब वो समस्याएं आपसे डिस्कस करेंगे तब आप प्लान दिखाएंगे।
प्लान दिखाना आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप प्लान दिखाएंगे हिक्सन का, तो अगर आपने प्रोडक्ट के फ़ायदे बताए हैं तो आपको प्रोडक्ट के फ़ायदे के बारे में डिस्कस करना है, राइट। अगर वो आपने उनको बताया है कि किस तरह से बिजनेस को आप कर सकते हैं, कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट को सस्ता कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, अगर आपने वो बताया है तो आप उनको बताएंगे बिजनेस प्लान, जो हमारा 3 रुपये का 1 PV है, तो हम हर आदमी 2 काम करता है क्या। पहला काम करता है हर आदमी अच्छा यूज़र है, प्रोडक्ट को यूज़ करता है उसको अच्छा लगता है। दूसरा चीज़ है वो लोगों से बातें करता है, तो बातें करता है, लोगों को एडवाइस देता है। तो ये दो आदत है हर आदमी के अंदर। इस आदत का प्रयोग करके इस प्रोडक्ट को सस्ता कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को फ्री कर सकते हैं। ये फ़ायदे, ये बातें आपको बतानी हैं। उसके बाद आता है कि आपको कितने प्लान दिखाने हैं रोज़ाना। आपको कम से कम 6 प्लान रोज़ दिखाने हैं, 6 प्लान, 3 प्लान सुबह, 3 प्लान शाम को। ऐसे कर सकते हैं आप, लगातार 6 प्लान कर सकते हैं। 6 लोगों से आपको डिस्कस करना है, आपको बात करना है, उनकी प्रॉब्लम को समझना है, और उसके बाद उनको प्लान दिखाना है, उनको सोल्यूशन देना है। इस तरह से आप अपना इनकम को बढ़ा के, जो हमारा सामने वाला को देखिए कितना, वो जैसे आपने बताया आपने 6% से शुरू किया, स्टार बनाने तक आपने प्लान समझा दिया, स्टार तक आपने, रूबी तक समझा दिया, डायमंड तक समझा दिया आपने, बताया स्टार तक आपको। अगर आपने अच्छे से प्लान आपने डिज़ाइन किया है, अपने PV हर महीने 3-3.5 हज़ार कर रहे हैं, आपके टीम में जो लोग आए हैं, आपने 6 लोगों को ज्वाइन कराया है, उनके साथ भी जो 6 लोग आए हैं उनको डेवलप करके, उनके साथ 6-6 लोगों को आपने रजिस्ट्रेशन करा के उनके साथ भी आपने बिजनेस डेवलप किया है। ये हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान है जो हम योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। कंपनी के प्लान में ये 6 वाला कोई ऑप्शन नहीं है। आप कितने भी लोगों को, आप फ्री हैं, आप 2 लोगों के साथ काम कर सकते हैं, आप 20 लोगों के साथ काम कर सकते हैं, आप 40 के साथ भी काम कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। इस तरह से जो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान जो हम लेके चल रहे हैं अभी, 6x6 का लेके चल रहे हैं, तो वो व्यक्ति जो लोग हैं, वो अगर 36 लोगों का टीम वो उसका बनता है 6x6, वो भी अपना बिजनेस कंज्यूम करते हैं 3.5 PV करते हैं महीने में, तो हर महीने 15,000 का बोनस आता है। तो अगर आपने 6 लोगों का बोनस 15,000 रुपये लेके आने में मदद किया है, तो आपका बोनस कितना हो जाता है, आपका बोनस 1,00,000 रुपये महीने का हो जाता है। इस तरह से आपको प्लान को दिखाना आपको आना चाहिए, आपको प्लान दिखाना शुरू करना है, अपलाइन को छोड़ के आपको प्लान पे काम करना है, प्लान को दिखाना चालू करना है। अपलाइन से 5-10 बार प्लान दिखवाना है, उसके बाद आपको खुद को प्लान दिखाना है। तो पहली बार क्या होगा, आप थोड़ा खराब प्लान दिखाएंगे, दूसरी बार थोड़ा पिछली बार से थोड़ा सा अच्छा दिखाएंगे, फिर अगली बार थोड़ा और ज़्यादा अच्छा दिखाएंगे, फिर अगली बार आप सबसे अच्छा दिखाएंगे। इस तरह से आपको धीरे धीरे करके प्लान को दिखाना चालू करना है। आपको ये नहीं सोचना कि अपलाइन ही प्लान दिखाएगा, अपलाइन हो सकता है वो कहीं मीटिंग में हो, आपको इमरजेंसी ऐसी आ जाए, वो कहे भाई मेरे को समझाओ, मेरे को कैसे काम करना है, प्रोडक्ट के फ़ायदे बताओ। अब अपलाइन वहाँ पर नहीं है तो आपके सामने एक समस्या आ सकती है, अभी मैं कैसे बताऊँ। तो आपको, क्योंकि ये बिज़नेस किसका है, ये बिज़नेस आपका बिज़नेस है, ये आप अपने लिए बिज़नेस को कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए इस बिज़नेस को कर रहे हैं, तो इस प्लान को दिखाना आपको आना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो कब से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, नहीं, आज से और अभी से इस बिज़नेस को, इस प्लान को दिखाना आपको शुरू करना है, आज से शुरू करना है, अभी से शुरू करना है। तो कहीं भी एक बार दो बार आप रफ पेपर पे, आप अपने घर पे देखिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, अपनी पत्नी के साथ प्रैक्टिस कीजिए, अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद उनसे बोलिए, आप 1-2 सवाल वो आपसे करेंगे, उसके जवाब देना आप सीखिए। प्लान के बाद में कुछ लोग सवाल जवाब करते हैं, उनके जवाब देने आपको आने चाहिए। आप पे नहीं आते उनको लिख लीजिए, अपलाइन से पूछिए कि सर इन बातों के जवाब हमें कैसे देने हैं, तो वो जवाब दे के फिर आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन भी अपने साथ करा सकते हैं। इस प्रकार ये आपका है कि हमारा जो अगला जो था हमारा, ये शो द प्लान, किस तरह से लोगों को प्लान शो करना, जो हमारा था ये 4 नंबर स्टेप। अगला स्टेप है हमारा जिसको हम बोलते हैं फॉलोअप। तो फॉलोअप मतलब फॉलो करना, मतलब उनको आपने समझा दिया, बता दिया, उनसे दोबारा मिल के उनके मन में कुछ शंकाएँ हैं, कोई बातें हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो उनको क्लियर नहीं हुई है, उनसे मिल के बात करके उस चीज़ के बारे में उनसे पूछना, सर आपको क्या अच्छा लगा, आपको प्लान में क्या अच्छा लगा,
तो इस तरह से वो बात करेंगे, कुछ शंकाएं हैं वो आपसे पूछेंगे, कुछ नकारात्मक बातें हैं, कुछ नेगेटिव उनके दिमाग में है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वारीज हैं, उनको पूछेंगे, उनके जवाब आपको देने हैं। और आपको जो उनकी इच्छा थी, जो आपकी समस्या थी, जो पहली बार में उन्होंने कोई अपनी समस्या बताई थी और सोल्यूशन के लिए जो आपने प्लान दिखाया था, आपको उस समस्या पर फोकस करना है बार बार। अब जब लास्ट टाइम पे आपको क्लोजिंग पे जाना है, फॉलो अप करके उनकी बातों का जवाब देके, उनकी बातों को सुन के समझ के, उनको प्रोत्साहित करके अब आपको ज्वाइनिंग पे जाना है, उनका रजिस्ट्रेशन की बात आपको करनी है। तो हो सकता है जब रजिस्ट्रेशन की आप बात करेंगे तो वो इधर उधर की बातें करेंगे, तो आपको उनकी प्रॉब्लम पे फोकस करना, सर आप मुझे, जैसे कि आप मुझे बता रहे थे आपको घर लेना है, आपको लेना है ना सर, तो मैंने आपको ये तरीका बताया इस प्लान के द्वारा कि किस तरह से आप घर ले सकते हैं। तो जब आप प्लान दिखाएंगे तो उसमें आप जैसे बताया आपने 15,000 कैसे आएगा, तो आप स्टार बनेंगे 6x6 के द्वारा, 6x36 के द्वारा आप स्टार बनेंगे, 15,000 आएगा। और जैसे ही आप 6x36 216 के साथ में आप डायमंड बनेंगे तो आपको हर महीने 1,00,000 से ऊपर आएगा। इस तरह से सर आपका मकान बन सकता है। तो आपको उसकी उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी समस्या है, उस पर फोकस करना। बेटी की शादी करनी है ना सर, तो 50,000 आएगा तो आपको करनी है ना सर, बेटी की शादी तो करनी है ना। तो जब वो इधर उधर की बात करेंगे, आपको उनकी प्रॉब्लम पे ला के फोकस करना है। और यहाँ ध्यान रखिए, जो क्लोजिंग चीज़ है, उनको ज्वाइन कराना, क्लोजिंग करना, उनको आगे बढ़ाना, ये मुख्य काम है। अगर आपने सारे काम कर दिए, अच्छे किए हैं, आपने ज्वाइनिंग नहीं कराया, उनको प्रोडक्ट आपने नहीं दिया या उन्होंने प्रोडक्ट नहीं खरीदा, तो आपका काम तो जीरो हो गया ना। आपने बहुत मेहनत किया, आपने उनको पास गए आए, पेट्रोल खर्चा हुआ, लेकिन जो आपका काम का जो रिजल्ट है 100% रिजल्ट, ज्वाइनिंग या प्रोडक्ट रिटेल हुआ नहीं हुआ, उस पर डिपेंड करता है। बाकी जो चीज़ है ना, जो 99% आपने मेहनत किया, आपने फ़ोन किया, आपने बात किया, आपने लिस्ट बनाया, आपने उनको उनके पास तक गए, वो 99% आपने काम तो बहुत किया, लेकिन 1% काम क्या है, वो है तो ज्वाइन कराना, उनको यूजर बनाना, उनको लीडर बनाना। वो काम अगर आप नहीं कर पाए तो 99% जो आपने काम किए वो बेकार है आपके। तो ये जो 1% काम है, इस पर फोकस करना है आपको। ये 1% काम, ये 100% आपका रिजल्ट देने वाला काम है, इस पर फोकस रखना है। ये होना बहुत ज़रूरी है, इसमें आपको पारंगत होना है, इसमें आपको एक अच्छा ज्वाइनिंग कराने वाला, अच्छे से जवाब देने वाला, मुस्करा के बात करने वाला, और वो चीज़ पे वो जगह भागेंगे उनको लेके आने वाला। क्योंकि हर पत्थर को टूटना है, आपको चोट मारते जाना है, हथौड़े से चोट मारते रहिए, पत्थर टूटेगा, आज नहीं तो कल उनको करना ही है। आप फॉलो अप करते रहिए, मिलते रहिए, बात करते रहिए, साल में 12 बार मिलिए, उसके बाद उनको छोड़ दीजिए उनके हाल पे। फिर वो 2-3-4 महीने बाद कभी वो आएंगे, फिर आपके साथ आएंगे। जो आपके साथ काम करना चाहता है, जो मेहनती है, जिसकी इच्छा है, उसके साथ आपको काम करना है। लोग ऐसे ही हैं, लोगों के बीच में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना, कई लोग सुनते नहीं हैं, बात नहीं करना चाहते आपसे, उनको ज़्यादा बात नहीं करना, उनसे ज़्यादा उनको डिस्टर्ब नहीं करना। आपने 10 साल में 12 बार बात किया, महीने में 1 बार बात किया, दैट्स इट, छोड़ दीजिए। बाकी निकलते बढ़ते के भी होता है, हेलो भाई, उन्हें करते रहिए। इसी तरह से हर नल में पानी है, आपको हत्थे मारते जाना है, कितना नीचे है वो डिपेंड करता है, तो वो आएगा धीरे 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 करके आ रहा है। तो हर मीटिंग, हर मुलाकात, हर बात जो मिल रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो पॉजिटिव हो रहे हैं, वो आज नहीं तो कल आपके साथ आएंगे और आपका काम बढ़ने वाला है। इस तरह से आपको डिक्शन में आज हर व्यक्ति को ज़रूरत है आने की, काम करने की ज़रूरत है, आज ज़रूरत है कल तो मजबूरी बन जाएगा। आपको बस अपना काम जारी रखना है, बताने का काम चालू रखना है। नंबर 6 पे आता है बिजनेस टूल्स। टूल्स क्या हैं? वो हथियार हैं। एक व्यक्ति है मैकेनिक है, बहुत बड़ा मैकेनिक है, एक व्यक्ति है बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसके पास अपने टूल्स नहीं है तो काई बात का साइंटिस्ट है। एक बहुत बड़ा मिस्त्री है पर उसके पास अपना प्लग है, पाना है, रिंच है, वो नहीं है तो क्या वो क्या कर पाएगा? कुछ नहीं। एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा कंप्यूटर में काम कर लेता है, बहुत बड़ा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसके पास अपना कुछ है ही नहीं तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। ऐसे ही आपके पास अगर टूल्स नहीं है, आप मुँह से ही बात कर रहे हैं केवल, तो आप सोचिए बिजनेस कैसे बढ़ेगा। आपके पास एक बैग आपको बनाना है, इस तरह का ये एक बैग आपके पास होना चाहिए। तो जब भी आप जाएँ इसको चेक कीजिए, ये इस तरह का एक बैग ले लीजिए आप, और अच्छा बैग हो सकता है, कोई लेदर बैग हो सकता है। इसके अंदर आपको फाइल रखिए, इसमें जो 5 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वाली हमारी कुछ बुक्स हैं वो उनको आप रखिए,
कंपनी ने कुछ हमारा हिंदी में इंग्लिश में या आपकी अपनी लोकल भाषा में जो लिटरेचर दिया हुआ है वो वहाँ से एजेंसी से या सर्विस सेंटर से खरीद कर रखिए, दिखाने के लिए रखिए, जिससे लोगों का भरोसा आपके ऊपर बढ़े और आपका भी भरोसा बढ़े जब आप दिखाएंगे कलरफुल चीज़ें। कुछ डिक्शन का मैगजीन है हमारी, टाइम टू टाइम मैगजीन आती है, उनको आप अपने पास रखिए दिखाने के लिए कि देखिए किस तरह से मैगजीन्स आती हैं। बहुत सारे मैगजीन हैं, ये कंपनी का बुक है, ये कंपनी प्रोफाइल, तो ये कॉर्पोरेट प्रोफाइल, तो ये आपके कंट्री में अलग अलग हो सकता है, आपका आपका लोकल एरिया में कुछ और हो सकता है। ये मैगजीन, इसमें फोटोग्राफ्स होते हैं, आपका आपका फोटोग्राफ, आपके लीडर्स के फोटोग्राफ, इस तरह से ये लीडर्स के इसमें फोटोग्राफ्स आते हैं। ये देखिए इसमें जगह जगह पे ये फोटोग्राफ्स आते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये रखना है लोगों से बात करने के लिए। ये देखिए इस तरह, ये हमारा फोटो है, बहुत पुराना फोटो है ये, देखिए, तो इस तरह से आप रखिए डबल डायमंड, तो ये आप रखिए, इसमें लोगों को दिखाइए जो अचीवर्स हैं उनके फोटोग्राफ इसमें आते हैं, इनकी कहानियाँ आती हैं, तो ये आप लोगों को दिखाइए, लोगों का विश्वास बढ़ेगा आपके ऊपर। ये कंपनी का प्रोफाइल है, कंपनी का विज़न क्या है, क्या मिशन है, तो ये इसमें सब होता है, डॉक्टर लीम के बारे में बताइए। तो जब ये आप ये चीज़ दिखाएंगे, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, उसके फ़ायदे, ये जो फोटोग्राफ के साथ आप गेनोडर्मा के फोटोग्राफ जब आप दिखाएंगे तो लोगों को आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा कि हाँ ये एक जेन्युइन व्यक्ति हैं और जो बात कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं। इस तरह से आप लोगों से बात कीजिए और आपका बिजनेस ज़रूर बढ़ेगा। ये टूल्स आपको साथ में रखने हैं। कुछ हमारा YouTube के ऊपर बहुत सारा वीडियो है, जैसे हमारा अपना चैनल है, इस चैनल के कुछ आप वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को आप दिखा सकते हैं, उनको बताइए ये वीडियो आप देखें, फील्ड में देखें, वो आप अपना खुद का भी वो वीडियो को देख के कुछ आप बना के कुछ नोट्स बना के उसको याद करके आप लोगों से फील्ड में बात कर सकते हैं। इस तरह से हमारा डॉक्टर लिम का बुक है, माई जर्नी विद डीएक्सएन, बहुत अच्छा बुक है। एक हमारे बहुत बड़े डॉक्टर हैं डॉक्टर विपिन कोशे, उनका एक बहुत अच्छा बुक है आधुनिक चिकित्सा शास्त्र से आगे, वो डॉक्टर साहब ने लिखा है, बहुत अच्छा बुक है। इस बुक को भी आप शेयर कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं कि देखो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो खुद यूजर हैं प्रोडक्ट के, और देखिए आगे प्रोडक्ट को बिजनेस को ये सपोर्ट भी करते हैं। इस तरह से ये ट्रेनिंग टूल्स, मीटिंग टूल्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जिसके द्वारा आप बताएंगे। इसके अलावा है कुछ बुक्स आप डेली पढ़िए घर पे, जिसमें है बड़ी सोच का बड़ा जादू, सोचिए और अमीर बनिए, बहुत अच्छी बुक है, और एक है बिजनेस स्कूल, बहुत अच्छी है, रिच डैड पुअर डैड, बहुत बढ़िया बुक है। 21वीं सदी का बिजनेस, 21वीं सदी का व्यापार, ये अमेजन से परचेज कर सकते हैं आप, फ्लिपकार्ट से भी आप ले सकते हैं। एक है सवाल ही जवाब है, एक है 101 कॉपीकैट मार्केटिंग, बहुत अच्छी बुक्स हैं ये बुक्स। एक है लोक व्यवहार, लोगों से कैसे बात करें, कैसे व्यवहार करना है, ये बुक्स आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करती हैं, आपको पॉजिटिव करती हैं, और ये बुक्स हैं जो आपको निखारती हैं, बात करने का तरीका, आपकी सोच को निखारती हैं, उसको डेवलप करती हैं। और सातवां और आखिरी और ज़बरदस्त जो हमारा पॉइंट है, सातवां पॉइंट जो हमारा 7 बेसिक्स था उसमें है, ये है टीम वर्क। डीएक्सएन जो है ये सिंगल पर्सन वर्क नहीं है, एक व्यक्ति के काम करने का बिजनेस नहीं है कि आप खुद ही अपने लिए प्रोडक्ट ला रहे हैं, खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, आपका काम बढ़ेगा। आपको टीम के साथ काम करना है, आपको जो हमारे कंज्यूमर हैं, ग्राहक हैं, जिनको ग्राहक बनाया, उनकी टीम बनानी है। उसके अलावा कंज्यूमर की 20 लोग की लिस्ट, 20 लोगों की टीम आपको हर महीना बनानी है, 15-20 लोगों का टीम आपको कंज्यूमर्स का बनाना है, कंज्यूमर लिस्ट अलग रखी है आप। ये लोग आपसे बिजनेस प्रोडक्ट खरीदेंगे और यूज करेंगे, बिजनेस करने के लिए इसी में से कुछ लोग आएंगे, 2-4-6-10 लोग हर महीना आपको बिजनेस करने के लिए इन्हीं लोगों में से मिलते रहेंगे या अलग से भी लोग मिलते रहेंगे। हर महीना आपको 6-10 नई ज्वाइनिंग हर महीना डालनी है, उन लोगों में आपको मीटिंग करते रहना है, देखना है कौन व्यक्ति इंटरेस्टेड है, कौन व्यक्ति सपने वाला है, किसकी इच्छाएं बड़ी हैं, कौन मेहनती है, उसको निकाल के आपको अपने बिजनेस के साथ में अपने साथ डेवलप करना, उनको सिखाना, उनको बताना, उनको मजबूत करना है आपको। जब आप टीम के उन लोगों को, लीडर को मजबूत करेंगे, उनके नीचे आपको टीम डेवलप करनी है। जिस दिन आप अपने लोगों के साथ में नीचे जो आपके साथ लोग आए हैं उनके साथ के लोगों को, उनके साथ जाके प्लान दिखाना शुरू करेंगे, उनके साथ उनके लोगों को ज्वाइन कराना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपके इस बिजनेस की शुरुआत होती है। वो फर्स्ट वो स्टेप होता है जब आपका बिजनेस शुरू होता है। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये एज ए प्रोफेशनल बिजनेसमैन बनने के लिए, एज ए प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हैं। आपको डीएक्सएन का प्रोफेशनल बनना है,
लेकिन बिजनेस की शुरुआत, क्योंकि हमारा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का, हमारा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, हेल्थ केयर बिजनेस है हमारा, फ्रेंचाइजी बिजनेस है। तो जो हमारे साथ लोग आए हैं वो एज ए फ्रेंचाइजी हैं, जो काम करना चाहते हैं उनके साथ जो फ्रेंचाइजी आएगी उनके साथ उनकी लिस्ट बनवाना, उनके साथ लोग जाके उनके लोगों को समझाना, क्योंकि वो उनके लोग हैं डायरेक्ट, उनकी बात कई बार नहीं मानते हैं, तो जूम पे आके उनको समझा सकते हैं आप, वीएम दे सकते हैं नए लोगों को, उनके साथ वो ज्वाइन करेंगे, उनका बिजनेस बढ़ेगा, वो स्टार बनेंगे, आपको अच्छा इनकम आना शुरू होगा उनसे। जब वो डायमंड बनेंगे हर महीने 15-20 हज़ार रुपया उनसे आना शुरू होगा, हर लाइन से आपको इस तरह से इनकम बढ़ता चला जाएगा और आप एक परमानेंट इनकम की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो आपके साथ जो लोग आए हैं उनके बिजनेस को बढ़ाना, उनके काम को बढ़ाना, ये मुख्य काम होता है। और अपने आप को अच्छे से रखिए, आप अपने आप को ट्रेनिंग देते रहिए। अभी कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है, वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मेरा काम बढ़ेगा तभी इनका काम बढ़ने वाला है, ऐसी सोच वाला व्यक्ति है, कोई निगेटिव व्यक्ति है कोई, तो आपका आपके पास ये पावर रहता है, ये ताकत रहता है कि आप उस व्यक्ति को हटा के नए व्यक्ति को चूज कर सकते हैं। इस बिजनेस की बहुत खूबसूरती है, जिस व्यक्ति के साथ आप काम करना चाहते हैं वो व्यक्ति कौन है, कैसा व्यक्ति के साथ आपको काम करके अच्छा लगता है, उसको आप चूज कर सकते हैं, उसके साथ काम कर सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं, उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। आपको अपनी टीम में बोलना है कि जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, वो अपनी टीम में भी नीचे 10 लोगों को, 5 लोगों को, 10, 6, मिनिमम 6 लोगों को आपको वही बातें नीचे सिखानी है और आपको भी उनके साथ में कॉन्टैक्ट में रहना है। इस तरह से जो आपका है, आप देखिए कभी भी मिलकर काम करना है, जिसको बोलते हैं टीम बनाना, टीम बनाकर काम करना, TEAM, इसका फुल फॉर्म क्या है, टुगेदर, यानी कि मिलकर, ई मोर अचीव, ए फॉर एवरी वन, एम फॉर मोर, यानी कि हर आदमी जब मिलकर रहता है तो उसको ज़्यादा प्राप्त करता है, वो ज़्यादा उसको मिलता है। अब अभी अभी आप अगर जंगल में देखेंगे वहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी पशु हैं, सभी एक झुंड में रहते हैं, एक टीम बनाकर रहते हैं। अगर वो अकेले रहते हैं तो क्या होता है, आप देखते हैं ना, वो जैसे भैंसे पे किसी ने शेर ने अटैक किया वो खा गया, कई बार शेर भी फंस जाता है, बहुत सारे डॉग होते हैं उसको खा जाते हैं, गीदड़ खा जाते हैं बहुत सारे लोग, सियार खा जाते हैं या कुछ और पक्षी पशु उसको खा जाते हैं, उनको शेर का भी शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जब अकेला रहता है ना तो उसके अंदर पावर नहीं रहती है। ऐसे ही आप समझिए, आपको टीम के साथ रहना है, अपनी टीम बनानी है, आपको लोगों का समूह बनाना है आपको, तो इस तरह से। और ये बिजनेस जो है हमारा डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आपको अपनी टीम के लोगों को सिखाना है, प्रोडक्ट के फायदे क्या हैं वो सिखाना है, वो आपको बताना है, वो खुद यूज़ करेंगे, अपनी टीम के लोगों को आगे बताएंगे। सीखने का और सिखाने का बिजनेस है, अप्लायंस से सीखिए, अपनी टीम को सिखाइए, अप्लायंस से सीखिए, टीम को सिखाइए, और आपकी टीम भी आपसे सीखेगी और नीचे टीम को सिखाएगी। अप्लायंस को फ़ोन करना है आपको और टीम से बोलना है, टीम भी आपको फ़ोन करेगी, आपको अप्लायंस से भी फ़ोन पर बात करनी है, अपनी टीम से भी बात करनी है, राइट। जितने लोगों से आप बात कर सकते हैं, आपको ये देखना अप्लायंस मुझे फ़ोन करेगा नहीं, आपको अप्लायंस को फ़ोन करना है। जब भी जरूरत है अप्लायंस को फ़ोन कीजिए, एक दो बार फ़ोन कीजिए, मोटिवेट होइए, फिर टीम को मोटिवेशन आपको देना है टाइम टू टाइम। जिसको आपने चुना है अपने साथ आगे डायमंड बनाने के लिए, स्टार बनाने के लिए, उसको कॉन्टैक्ट में रहना है, उनको लगातार मोटिवेट करते रहना है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये 4+4 कितना होता है, 8 होता है, 4 और 4 8 होता है, राइट। तो ये जनरल है, ये इस और जो दुनिया है और जो बिजनेस है और जो काम है उसमें 8 4 और 4 8 होता है। डीएक्सएन जैसे बिजनेस में, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन का बिजनेस है, इसमें टाइम का मल्टीप्लीकेशन होता है, लोगों का मल्टीप्लीकेशन होता है। जब आपके साथ 4 लोगों के साथ 4 4 आते हैं, 6 के साथ 6 6 लोग आते हैं, और जगह तो 6 और 6 कितने होते हैं, 16, 6 और 6 12। डीएक्सएन में क्या होता है, 6 गुणा 6 6 6 36 होता है यार। ये डुप्लीकेशन और बिजनेस है, यहाँ 6 गुणा 6 36 होता है। तो यहाँ 6 गुणा 6 36 होता है, तो अगर हर आदमी जो आपके साथ 36 लोग आए हैं, अगर वो 6 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो 6 लोगों ने अगर 6 6 घंटे काम किया तो 36 घंटे आपका काम हो गया, और जो 36 लोग 6 6 घंटे काम कर रहे हैं तो 216 घंटे आपका 24 घंटे में काम होता है, तो आपको 216 घंटे का इनकम आपको आता है। आप और जगह देखेंगे तो काम अगर आप कितने घंटे कर सकते हैं, आप सोचिए आपके पास कितना समय है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे काम कर सकते हैं एक्स्ट्रा, आप 12 घंटे काम कर सकते हैं, 24 घंटे कर सकते हैं, 24 घंटे हमेशा नहीं कर सकते। देखिए डिक्शन पावर देता है आपको, आपके साथ जब 6 लोग आते हैं और 6 6 घंटे काम करते हैं तो 36 घंटे आपका एक ही दिन में काम हो जाता है, तो आपको 36 घंटे का पैसा आता है। और जो आपके साथ जो 36 लोग आए हैं, 6 गुणा 6 हो जाता है, 36 लोग जब आते हैं वो भी 6 6 घंटे का काम करते हैं,
तो 216 घंटे एक ही दिन में काम होता है, एक ही दिन में आपको 216 घंटे का रेवेन्यू, 216 घंटे का इनकम आपको आता है। ये इस बिजनेस की पावर है। तो आज हमने आपको बताया 7 वो स्टेप जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में, DXN हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, इस बिजनेस के अंदर आपको फॉलो करने हैं 7 स्टेप और आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। ये रोज करना है आपको, इन स्टेप्स को डेली फॉलो करना है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी हम नया आपको वीडियो बनाते हैं वो आपको देखने को मिलता रहेगा। मैं डॉक्टर राजवंशी आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, गुड मॉर्निंग DXN, ऑल द बेस्ट। आप आगे बढ़ें, तरक्की करें। थैंक यू।